हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2019 की ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट के बारे में। क्या है इस फिल्म की युवा व्यक्ति की वू किम चोई वू शिक के बारे में है, जो अपने परिवार के साथ एक गुमनाम दक्षिण कोरियाई शहर की झुग्गियों में गरीबी में रह रहा है। पिता की ताक किम सोंग कांग हो, माँ चुंग सूक किम जंग हे जिन और बहन की जंग पाक सो डैम। परिवार एक बगीचे इकाई में रहता है, जहां वे टीवी देखने के लिए, इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, वाईफाई सिग्नल खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, फ्यूमिगेट हो जाते हैं और पुरुषों को अपने घर के बाहर गली में पेशाब करते हुए देखना पड़ता है। वे पिज्जा बॉक्सों को मोड़ने जैसे छोटे मोटे काम करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और फिर भी पिज्जा कर्मचारियों द्वारा बक्सों में गड़बड़ी करने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। किवू के धनी मित्र मिनह्युक परिवार से मिलने जाते हैं, उन्हें एक उपहार देते हैं, एक ऐसी चट्टान जो उनके पास धन और समृद्धि लाने वाली होती है। फिर वह किवू को बताता है कि वह एक बहुत अमीर परिवार की किशोरी बेटी को पढ़ा रहा है। वह विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन बेटी से प्यार करता है और जानता है कि कोई अन्य विश्वविद्यालय का लड़का उसे चुरा लेगा। वह चाहता है कि किवू उसका शिक्षक बने, यह जानते हुए कि वह उसकी देखरेख करेगा ताकि हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद मिनह्युक उसे प्रस्ताव दे सके। किवू जानता है कि वह योग्य नहीं है क्योंकि वह कॉलेज में नहीं है, लेकिन मिनह्युक ने उसके लिए प्रतिज्ञा करने का वादा किया है और इसलिए वह सहमत है और अपने साक्षात्कार में लेने के लिए उसके पास की जंग फौज साख है। बहुत अमीर पाक परिवार में किवू साक्षात्कार, जहां वह मिस्टर पाक ली सन क्यून, उनकी बिखरी हुई पत्नी श्रीमती पाक चोई येओ जेओंग और उनके बच्चों किशोर बेटी दाहे और युवा बेटे दा से मिलते हैं। गाना किवू को पता चलता है कि उसे नौकरी पाने के लिए दाहे के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत है और वह करता है। श्रीमती पाक उसे अत्यधिक पैसे देती है और उल्लेख करती है कि उन्हें दासोंग के लिए एक कला ट्यूटर की आवश्यकता है। दासोंग की एक दर्दनाक घटना थी, जहां उसने घर में एक भूत देखा और उसे दौरा पड़ा और उसे अपनी कला में मदद की जरूरत थी। कि वो उन्हें की जंग से मिलवाता है, जो खुद के लिए दस्तावेज बनाता है और जेसिका के पास जाता है और वह भी मुट्ठी में पैसा कमाना शुरू कर देती है। जब पाक का लिमो ड्राइवर उसे घर ले जाता है तो कि जंग उसे निकाल देने के लिए कार में अपना अंडरवियर छोड़ देता है। वह फिर उसे अंकल को नए ड्राइवर के रूप में सुझाती है, जो वास्तव में की ताक है। अंतिम स्थिति गृहस्वामी मून क्वांग ली जेउंगुन की है। पाक परिवार के वहां रहने से पहले से उसने घर के लिए काम किया है। उसने पिछले मालिक एक सन की वास्तुकार के लिए काम किया था। उसे निकालने के लिए किम्स ने आड़ू से उसकी एलर्जी का फायदा उठाया, जिससे उसे एलर्जी हो गई। वे फिर श्रीमती पाक को समझाते हैं कि वह गंभीर रूप से संक्रामक रूप से बीमार है और उनके बेटे के आसपास नहीं हो सकती। वह चली जाती है, तबाह हो जाती है और श्रीमती किम को काम दिया जाता है। पूरे किम परिवार को काम पर रखने के लिए पाक परिवार को मूर्ख बनाया जाता है। किम परिवार अपनी आय में भारी वृद्धि का आनंद लेता है और जब पाक परिवार दासोंग के जन्मदिन सप्ताहांत के लिए शिविर में जाने का फैसला करता है, तो वे सप्ताहांत के लिए विशाल पाक हाउस में रहने का अवसर लेते हैं। वे शाम को पीने और खाने में बिताते हैं और दरवाजे की घंटी बजने पर जगह की गड़बड़ी करते हैं। यह मून क्वांग है। वह दावा करती है कि उसे इतनी जल्दी निकाल दिया गया था कि वह बिना कुछ हासिल किए ही चली गई और बस उसे वापस चाहती है। श्रीमती के मन इच्छा से उसे अंदर जाने देती हैं और मून क्वांग तहखाने में भाग जाता है और कुछ अलमारियों के पीछे एक गुप्त मार्ग खोलते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है। वह अपने पति ग्यून सई पाक मायून हून के पास जाती है, जो पिछले मालिक के ऋण शार्ट से छिपने के लिए बाहर जाने के बाद से गुप्त रूप से बंकर में रह रहा है। वह उसे खाना देती है, जबकि श्रीमती किम डरावनी दिखती है
वह मून क्वांग को बताती है कि उसे जाने की जरूरत है, और जैसे ही मून क्वांग ने उन्हें रहने देने के लिए कहा, किम परिवार के बाकी लोग जो छिपकर सुन रहे थे गिर जाते हैं सीढ़ियों और देखने में, और वे एक दूसरे को पिताजी आदि कहते हैं, जो मून क्वांग ने अपने फोन पर फिल्माया। यह महसूस करते हुए कि परिवार ने खींच लिया है, वह इसे पाक परिवार को भेजने की धमकी देती है और इसका इस्तेमाल करती है ताकि वह और उसका पति किम परिवार को अपनी बोली लगाने के लिए मजबूर कर सके। किम परिवार उन पर हावी होने का प्रबंधन करता है, उन्हें गुप्त बंकर में ले जाता है, लेकिन पाक परिवार कहता है उन्होंने बारिश के कारण अपनी कैंपिंग यात्रा रद्द कर दी है और 8 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। किम्स हाथापाई करते हैं अन्य दो को तहखाने में रखते हुए। जितना हो सके उतनी गंदगी साफ करने की कोशिश करते हैं। वे इतना अच्छा काम करने का प्रबंधन करते हैं कि बाकी परिवार छिपाने में सक्षम है, जबकि श्रीमती किम पाकों को अपना रात्रिभोज देती हैं। जब मून क्वांग टूट जाता है और ऊपर की ओर दौड़ता है तो श्रीमती किम उसे सीढ़ियों से नीचे धकेलती हैं, जहां वह उसके सिर पर वार करता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मून क्वांग और ग्यून से बनकर में बंद हैं। मिस्टर एंड मिसेज पाक अंत में लिविंग रूम में सो रहे हैं ताकि दास सॉन्ग पर नजर रख सके, जो पिछवाड़े में डेरा डाले हुए है किम्स को टेबल के नीचे रहने के लिए मजबूर कर रहा है। पूरी रात जमे हुए हैं, यहाँ तक पाक के बारे में शिकायत करते हैं श्रीमान किम की गंध, और फिर बाद में सेक्स करें। आखिरकार रात के अंधेरे में वे चुपके से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। वे घर लौटते हैं और पाते हैं कि उनका अपार्टमेंट पूरी तरह से बारिश और सीवेज से भरा हुआ है, कि वो चट्टान लेता है और परिवार रात के लिए एक आश्रय में सोता है। अगले दिन श्रीमती पाक दासोंग के लिए एक अचानक पार्टी करने का फैसला करती है। मदद के रूप में किम परिवार को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें यह दिखावा करना पड़ता है कि वे नहीं जानते कि घर के नीचे एक बंकर में दो लोग बंद हैं, कि वो चट्टान को नीचे बंकर में ले जाता है जहां मून क्वांग की मृत्यु हो गई है और ग्यून सई द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो उसे चट्टान से सिर में मारता है। फिर वह पार्टी में प्रवेश करता है जहां उसने की जंग को सीने में छुरा घोंप दिया। पार्टी डरावनी हो जाती है और दासोंग को एक जप्ती होती है, ग्यून से वह भूत था जिसे उसने पहले घर में देखा था। मिस्टर पाक अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए कार की चाबियों के लिए अपने ड्राइवर मिस्टर किम, जो कि जंग के रक्तस्राव को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर चिल्लाता है और वह उन्हें उसके पास फेंक देता है। वे ग्यून से के अधीन उतरते हैं जो श्रीमती किम के साथ लड़ रहे हैं। वह उसे मांस की कतार से छुरा घोंप कर मारने का प्रबंधन करती है। मिस्टर पाक को चाबियां मिलती हैं, लेकिन ग्यून से की गंध पर घृणा व्यक्त करता है। यह मिस्टर किम को ट्रिगर करता है, जो मिस्टर पाक को मारता है और उसे मारता है। मिस्टर किम के भागते ही मिसेज पाक बेहोश हो जाती है, कि वो अस्पताल में जागता है जहां वह हफ्तों तक कोमा में रहा था। उसे पता चलता है कि जंग की मृत्यु हो गई है और उसे और श्रीमती किम को परिवीक्षा की सजा सुनाई गई है। मिस्टर किम का कोई पता नहीं चला है। भले ही पुलिस मिस्टर पाक की हत्या के लिए उसकी दूर दूर तक तलाश कर रही हो, कि वो नदी में चट्टान छोड़ देता है और पूर्व पाक हाउस को देखता है जहां वह रोशनी को टिमटिमाता हुआ देखता है, कि वो मोर्स कोड से टिमटिमाता हुआ अनुवाद करता है और सीखता है कि मिस्टर किम उन्हें बंकर के अंदर से नियंत्रित कर रहा है जहां वह अब रह रहा है, नए मालिकों से भोजन के लिए ऊपर की ओर चुपके, कि वो अपने पिता को एक पत्र वापस लिखता है, यह संकल्प करते हुए कि किसी दिन वह इतना धनवान बन जाएगा कि वह घर खरीद सके और उनका परिवार फिर से मिल सके।